हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका ई लर्निंग क्लास में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चक्रीय चतुर्भुज के बारे में है, और इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा और उससे रिलेटेड दो महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ ली थी। वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। जिनमें पहला प्रश्न मैंने लिया है, जिसमें आपको एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है और इसमें कोण एओसी आपको 136 डिग्री दिया गया है और पूछा गया है कोण एबीसी का मान, यानी इस वाले कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है और ये वाला एंगल आपको दिया गया है। तो देखिए, यहां हम वृत्त से संबंधित प्रमेय और चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय, इनका यूज करते हुए इस एंगल को ज्ञात करते हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हम इस चित्र से कौन सा एंगल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, ये एक चाप एसी है और इस टाइप के कई क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। इस चाप एसी द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है 136 डिग्री का, तो परिधि पर यानी शेष भाग पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, सबसे पहले तो आप ये पता लगा लें। और इसे पता लगाना बहुत ही ईजी है, क्योंकि आप पहले भी बहुत से क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं। तो हम वही प्रमेय यहां पर काम में ले रहे हैं जो पहले भी हम लिख चुके हैं कई बार, कि किसी चाप द्वारा, अब इतना सा तो आपको भी पता चल ही गया होगा कि ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग सभी प्रश्नों में काम आ रही है। तो आप इसे कंठस्थ कर लें, मेरे साथ साथ रिपीट करें। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 2 गुना होता है। अब इसी को हम घुमाकर ये भी कह सकते हैं कि शेष भाग पर जो बना हुआ कोण है वो केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। आप दोनों में से कोई सी भी चीज यूज कर सकते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। केवल कैलकुलेशन में हल्का सा एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा लिखनी होगी। यहां हम ये कह सकते हैं कि जो दुगना होगा कोण ए डी सी का, वो बराबर होगा कोण एओ सी के। अगर आप देखें तो कोण एओ सी आपको दिया गया है 136 डिग्री, और ये जो दो यहां गुणा हो रहा है, आप इसको यहां ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, और इधर केवल क्या बचेगा, कोण ए डी सी। कैलकुलेशन करने के बाद कोण ए डी सी ये बराबर आपको मिलेगा। देखिए, जब आप दो का इसमें भाग लगाएंगे तो भाग लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, 68 यानी 68 डिग्री। तो कुल मिलाकर हमें कोण ए डी सी प्राप्त हो गया है 68 डिग्री। अब अभी तक हमें जो ज्ञात करना था एबीसी, वो हमें पता नहीं चला है, लेकिन हमें ये कोण 68 डिग्री मिल चुका है। अब आप थोड़ा सा गौर करें, अगर हम इन रेखाओं को भूल जाएं और ये भी भूल जाएं कि हमें केंद्र दिया गया था, कोई कोण हमें ज्ञात था, तो बाकी जो बची हुई आकृति है वो एक चक्रीय चतुर्भुज की आकृति होगी। और चक्रीय चतुर्भुज में हम पहले ही ये पढ़ चुके हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम वही चीज यहां काम में लेंगे कि चतुर्भुज एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। और ये चक्रीय चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि आपको दिया गया है, साफ साफ कह रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए सम्मुख कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो आप कोण बी और कोण डी इन दोनों को जोड़कर कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री। कारण आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरी लाइन लिखें।
समकोण संपूरक होंगे। अब इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। कोण बी हमें पता नहीं है, डी हमने अभी अभी ज्ञात किया है जो कि आया है 68 डिग्री, और बराबर में कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप बी को इधर रखेंगे, 68 को आप उधर भेजेंगे, तो 68 उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और जब आप 180 में से 68 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 112 डिग्री। यानी कोण बी बराबर आ गया है 112 डिग्री, और ये बी और कुछ नहीं है, आप इसे ए बी सी भी कह सकते हैं। तो कोण एबीसी बराबर हमें कितना मिल गया है, 112 डिग्री मिल गया है। ये तो हुई बात इस क्वेश्चन की, एक तरीका। अब इसी के साथ मैं आपको एक तरीका और बताना चाहता हूं, अगर आपको इजी लगे तो आप उस तरीके से भी इस एग्जांपल को कर सकते हैं। यहां चित्र में आप गौर करें, अगर आपको ये 136 डिग्री दिया गया है तो इसके सेकेंड साइड वाला कोण कितने डिग्री का होगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं। अगर ये 136 डिग्री है तो इसके सेकंड साइड वाला यानी कि इसके अपोजिट साइड वाला कोण कितने डिग्री का होगा। देखिए आप जानते हैं दोनों का योग 360 होना चाहिए, में से 136 डिग्री एक तरफ बन रहा है तो दूसरी तरफ का कोण कितना होगा, 224 डिग्री होगा। घटाकर आप चेक कर सकते हैं, यानी ये वाला कोण होगा 224 डिग्री का। अब आप चाप ये वाला लेने की जगह आप चाप लें सी डी ए, इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है 224 डिग्री, तो शेष भाग पर अंतरित कोण कितना होगा, अभी हमने प्रमेय काम में ली है, शेष भाग पर अंतरित कोण क्या होता है, आधा होता है, तो आप इसका क्या करेंगे, आधा, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 112 डिग्री। तो इन दो तरीकों से आप इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं। अब इसके साथ ही हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इजी एग्जाम्पल्स हैं, आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। ये दोस्तों एक और एग्जाम्पल मैंने ले लिया है जिसमें आपको एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है और x और y की वैल्यू पूछी गई है। देखिए एग्जाम्पल इजी है लेकिन इसमें आपको दो चीजें काम में लेनी है, देखते जाइए एग्जाम्पल आप खुद समझ जाएंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हमें जो x और y ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है वो x और y इस चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में काम आ रहे हैं, और जब सम्मुख कोणों में काम आ रहे हैं तो आप प्रमेय वही काम में लेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं इसलिए आप इसे कंठस्थ कर लें और बार बार रिपीट करें। अब जब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, संपूरक यानी आमने सामने वाले कोणों को जोड़ने पर कितने डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, तो इसी चीज को हम काम में ले रहे हैं। पहले आप फिक्स कर लें कि आप कौन कौन से कोण सम्मुख लेकर पहले किसे लेना चाहते हैं। जैसे अगर मैं पहले कोण ए को लेता हूं तो साथ में किसको लेना होगा, सी को लेना होगा। तो आपने ये कह दिया कि कोण ए और कोण सी जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ए और सी का मान हम वहां चित्र में से देखते हैं, ए की जगह हमें दिया गया है 5y+5 और सी की जगह हमें दिया गया है x+10 और आना कितना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। कुल मिलाकर आप ये देख सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह x और y में एक समीकरण आपको मिलने जा रहा है जिसमें y का पद है, x का पद है और कुछ अचर पद हैं। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए आप पहले ही 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और अभी मैं एक बार और आपको थोड़ा रिपीट करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले हमें सिंपल पक्षांतरण करते हुए x और y के पद एक तरफ रखने हैं और बाकी सभी पदों को दूसरी तरफ भेजना है। जमा भी देते हैं इसे साथ के साथ, जैसे पहले मैंने x लिख दिया है, x का पद लिख दिया है, उसके बाद मैंने y का पद लिख दिया है,
कंफ्यूज नहीं होना है, हमने केवल जगह चेंज की है, साइड नहीं बदली है, इसलिए चिन्ह एज इट इज रहेंगे। अब 180 एज इट इज है और इस 5 को और 10 को आपने उधर भेज दिया है। यहां गौर करें आप, आपने इनकी साइड चेंज की है, इसलिए इनके चिन्ह भी क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो कुल मिलाकर आपको मिलेगा x प्लस 5y बराबर 180 में से आपको 5 और 10, या तो बारी बारी से घटा लें या 10 और 5 को जोड़कर फिर घटा लें, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं। 180 में से 5 और 10 अगर आप घटाएंगे तो आपके पास में बचेगा 165 डिग्री, और इसे मैंने कह दिया समीकरण नंबर 1। ये तो बात कब की है, जब हमने ए और सी काम में लिया है। इसी प्रकार आप बी और डी को भी जोड़ेंगे तो बी और डी को जोड़ने पर भी कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। अब बी और डी कितना है, देखिए बी तो है हमारे पास में 4y माइनस 4 डिग्री और प्लस डी है हमारे पास में 2x प्लस 4 डिग्री, अब बराबर में कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। यही काम हम वापस रिपीट करेंगे। x और y में आपको समीकरण बनाना है तो x और y के समीकरण में आप पहले x का पद लिख दें, यानी 2x आपने पहले लिख दिया है, 4y आपने बाद में लिख दिया है, और इन दोनों के अलावा जो बच गया है उसे आप किधर भेजेंगे, उधर भेजेंगे। तो ये हमें मिलेगा 180, 4 इधर माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और जो 4 यहां प्लस का है उधर आप लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए कई बार आपको इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति भी आपके सामने आ सकती है, आप चाहें तो इस 4 को इस 4 से इधर ही कैंसिल कर सकते हैं। आपने उधर भेज दिया है तो कोई बात नहीं, आप उधर कैंसिल कर सकते हैं, या आप 4 जोड़कर फिर 4 घटा सकते हैं। ये आपको देखना है कि आप इसे किस तरह से आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें मिला है 2x प्लस 4y बराबर केवल 180 डिग्री ही बचेगा। आप कैसे भी सॉल्व करें, चाहे आप 4 से 4 को काट दें तो भी 180 बचेगा, 180 में 4 जोड़कर फिर 4 घटा दें तो भी आपको कितना मिलेगा, 180 ही मिलेगा। अब यहां देखिए, यहां से हम 2 कॉमन लेकर इस पूरे समीकरण को छोटा कर सकते हैं। इसके लिए आप पढ़ चुके हैं, याद करें कि पूरे समीकरण में समान राशि का भाग लगाने पर समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज आप याद रखें कि पूरा समीकरण है, अगर आप इसमें समान राशि का भाग लगा देंगे। अब मैं भाग किसका लगाने जा रहा हूं, बिल्कुल आप 2 का भाग लगाएंगे, क्योंकि 2 ही तो कॉमन आ रहा है यहां से, इसलिए आपने इस पूरे समीकरण में किसका भाग लगा दिया है, 2 का भाग लगा दिया है। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद समझें। बता मैं रहा हूं, जैसे आपने इसमें 2 का भाग लगाया तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल x। जब आप इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार और बचेगा 2y, और जब आप इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 2 से 180 कट जाएगा कितनी बार, 90 बार। सिंपल इक्वेशन है, इसे मैंने कह दिया है नंबर 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, और अब आपको इन दोनों समीकरणों को हल करके किसका मान निकालना है, x और y का। तो अब हम बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण की, इन्हें कैसे हल किया जाता है। सिंपल तरीका मैं आपको इसमें बताऊंगा, क्योंकि और जो तरीके हैं, हो सकता है आपने तीनों तरीके पढ़े हों। जैसे हमारे पास में कौन कौन से तरीके हैं, एक तो हमारे पास में है विलोपन विधि द्वारा, एक प्रतिस्थापन विधि द्वारा, एक वज्रगुणन विधि द्वारा, और आलेखी विधि तो आप जानते ही हैं। लेकिन हम इन सवालों में वो विधि काम में लेते हैं जो इजी रहे, और इजी विधि कौन सी रहेगी, गुणांकों को बराबर करते हुए विलोपन विधि हम काम में लेने वाले हैं। तो देखते चलिए, इन दोनों समीकरणों को मैं साथ साथ लिख रहा हूं, यानी समीकरण 1 और 2 से, दोनों समीकरणों को साथ साथ लिखने से आप थोड़ा सा ये समझ जाएंगे कि हमें आगे करना क्या है। जैसे पहला समीकरण तो था x प्लस 5y बराबर 165, और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 90।
ज्यादा डीपली तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और अगर कोई परेशानी आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें तो मैं आपको पूरा मेथड इसका एक वीडियो में अलग से बता दूंगा। यहां पर आप ये देखें कि हमें जिन चरों के मान ज्ञात करने हैं उनमें से किसके गुणांक समान है। जैसे यहां हम देखें एक्स अकेला है, यहां भी एक्स अकेला है, यानी एक्स के गुणांक समान है, और जब गुणांक समान होते हैं तो हम समीकरण को या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। जोड़ते कब हैं? जब चिन्ह समान चिन्ह अलग अलग होते हैं तब तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, और घटाते कब हैं? जब चिन्ह समान होते हैं। जैसे यहां x किसका है? प्लस का। यहां भी x किसका है? प्लस का। इसलिए हम इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? घटाएंगे, और घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। x प्लस का x माइनस का कैंसिल, और 5y में से जब आप 2y घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3y, और इधर 165 में से जब आप 90 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 75 डिग्री। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहां से y बराबर कितना आ जाएगा? 75 बट्टे में 3। 75 में जब आप 3 का भाग लगाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 25 डिग्री। यानी y का मान तो आ गया है 25 डिग्री। अब x का मान कैसे निकालें? आपकी इच्छा हो जिस समीकरण में आप y की जगह पर 25 रख दें और कैलकुलेशन करके किसका मान निकाल लें? x का मान निकाल लें। जैसे यहां मैं समीकरण 1 की बात कर रहा हूं, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है देखिए हमारे पास में, एक्स प्लस 5 और y की जगह पर कितना लिख दिया है आपने? 25 लिख दिया है। मान कैसे रखे जाते हैं, किस तरह से उसे आगे सॉल्व किया जाता है, अगर आप और विस्तार में जानना चाहते हैं तो वीडियो सजेस्ट कर रहा हूं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहां से ये हो जाएगा x प्लस 25 को 5 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 125 डिग्री, और बराबर में कितना है? 165 डिग्री। x को आपने इधर रख लिया है, 125 को जब आप उधर भेजेंगे तो 125 किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और 165 में से आप आसानी से 125 को माइनस करके x का मान निकाल सकते हैं। जैसे 165 में से हमने 125 माइनस किया है तो आपको कितना मिलेगा? 40 डिग्री। तो ये किसका मान आ गया है? x का मान आ गया है। लास्ट में आप ये जरूर लिखें कि जो सवाल आपको दिया गया है उसके हिसाब से x बराबर तो आया है 40 डिग्री और y बराबर आया है 25 डिग्री। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर यहां वो मान चेंज कर भी देता है, सपोज कीजिए कि यहां 5y की जगह उसने आपको 3y दे दिया, तो क्वेश्चन पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको तरीका ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को रटना कभी भी नहीं है। आपको अगर तरीका ध्यान रहेगा तो आप किसी भी टाइप के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।